पर इसी दिन आयोग कश्मीर की सुनने के बाद वीरवार को जम्मू पहुंचा तो लोगों के दिलों में वर्षों से दबा भेदभाव का दर्द बाहर आ गया। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस रंजना देसाई ने बैठकों में जब जम्मू संभाग के लोगों की राय ली, जम्मू की राजनीतिक पार्टियों ने भेदभाव के सबूत भी आयोग को सौंपे हैं। बैठक में गुलाम कश्मीर कोटे की सीटों को डी फ्रीज कर इन्हें जम्मू कश्मीर में बसे उपेक्षित वर्गों के लोगों को देने की मांग की। साथ ही पंडितों के लिए कश्मीर में 3 सीटें आरक्षित करने की आवाज भी उठी है। कमीशन को दिया कि जम्मू कश्मीर में असेंबली की रेस्टोरेशन की बात कही गई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑल पार्टी मीटिंग में कही, जो एश्योरेंस दिया है उसको फुलफिल किए बगैर ये एक्सरसाइज जो है ये मीनिंगफुल नहीं होगी। दक्षिण कश्मीर के जिला कुलगाम के रेडवानी इलाके में सुरक्षा बलों द्वारा चलाया गया सर्च ऑपरेशन मुठभेड़ में बदल गया। इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना के आधार पर देर रात चलाए गए इस तलाशी अभियान के दौरान रेडवानी इलाके में छिपे आतंकियों ने सुरक्षा बलों को अपने नजदीक आते देख गोलाबारी शुरू कर दी। फिलहाल जवान अपनी पोजीशन पर डटे हुए हैं और दोनों ओर से गोलाबारी का सिलसिला जारी है। सुंदरबनी सेक्टर के दादल क्षेत्र में 10 दिन से तलाश में जुटे सेना के जवानों ने घुसपैठ कर भारतीय क्षेत्र में घुसे आतंकियों को ढूंढ निकाला। वीरवार को दादल के जंगल में छिपे आतंकियों की सेना के जवानों के साथ हुई मुठभेड़ में 2 विदेशी दहशतगर्द मारे गए। इस दौरान सेना के नायब सूबेदार सहित 2 जवान शहीद हो गए। सेना का बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जारी है, इसलिए पैरा कमांडो भी उतारे गए हैं। सेना के ऑपरेशन में पुलिस के विशेष अभियान दल के जवान व अधिकारी भी शामिल हैं। आशंका है कि और भी आतंकी छिपे हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों में निरंतर कमी के चलते अस्पतालों पर दबाव कम हो गया है। इस समय प्रदेश में सक्रिय मामले 3,000 के करीब पहुँच गए है। वही कोरोना से प्रतिदिन मौतों की औसत भी 5 से नीचे है। वीरवार को जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण के 262 नए मामले सामने आए। इनमें से 120 जम्मू संभाग से व 142 कश्मीर संभाग से सामने आए। वहीं दूसरी ओर वीरवार को ब्लैक फंगस का एक मामला भी सामने आया। नए मामले के सामने आने से अब तक प्रदेश में सामने आए ब्लैक फंगस के मामले 31 हो गए हैं। वहीं कोरोना के कारण प्रदेश में हुई 4 मौतों में से 2 कश्मीर व 2 जम्मू संभाग में हुई है। कोरोना की दूसरी लहर की चुनौतियों से सीख लेते हुए सरकार तीसरी लहर से निपटने की तैयारी में जुट गई है। कैबिनेट ने 23,000 करोड़ रुपए के नए पैकेज को मंजूरी दी है। इनमें से 15,000 करोड़ केंद्र और 8,130 करोड़ रुपए राज्य सरकारें मुहैया कराएंगी। नवनियुक्त स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि इस पैकेज को अगले 9 महीने के भीतर यानी अगले मार्च तक अमलीजामा पहना दिया जाएगा। पिछले साल मार्च में 15,000 करोड़ का पैकेज दिया गया था। आपने देखा होगा कैटेगरी 1 में कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल हमारे पास 163 थी, वो बढ़ के 4,389 हो गए। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले से उपजे हालात के मद्देनजर जम्मू कश्मीर में सचिवालय और राजभवन के ऊपर एयर स्पेस को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है। उपराज्यपाल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने वीरवार को आदेश जारी किया। दोनों राजधानियों में उपराज्यपाल के कार्यक्रम स्थलों के ऊपर से कार्यक्रम संपन्न होने तक विमान उड़ान नहीं भर पाएंगे। ये आदेश उपराज्यपाल की सुरक्षा की नए सिरे से समीक्षा करने के बाद जारी किया। अधिकांश जिलों में ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया है। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध पर भारत ने गुरुवार को कहा कि संघर्ष के शेष क्षेत्रों से सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया जल्द पूरी करने से ही सीमावर्ती इलाकों में पूर्ण रूप से शांति बहाली सुनिश्चित की जा सकती है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि सैनिकों के जल्द पीछे हटने से ही द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति सुनिश्चित की जा सकती है। The two sides also agreed to hold the next, that is the 12th round of senior commanders meeting at an early date. We will certainly share any update once we have that. Meanwhile, I'd like to reiterate that only completion, that early completion of disengagement in the remaining areas could pave the way for the two sides to consider de-escalation of forces and ensure full restoration of peace and tranquility and enable progress in the overall bilateral relations. Oh,